हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे अजमी खान से आपसे बात करनी थी। बताइए। जी आप तो वही बोल रहे हैं ना? जी अच्छा, अजमी खान भाई से एक बात पूछनी थी बस ऐसे ही। क्या आप ही से पूछ लें। आप पूछ लीजिए। असल में क्या है, एक ग्रुप में मुझे कुछ सीओ ने ऐड किया है, तो वो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला बोल रहे थे, तो उसी के सिलसिले में पूछना था। अच्छा, ये हदीस जो होती है जो बुखारी मुस्लिम से सित्ता की हदीसों में आती है, तो हदीस तो उसे कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल फेल अमल और सहाबा के किसी अमल को देख के खामोशी इख्तियार करना, ये सब मेरे भाई आमतौर पे हदीस और इसको सुन्नत बोलते हैं। जी, तो अगर कोई सहाबी अगर कोई बात करे और वो अपनी बात करे और अगर वो बुखारी में आया है, तो क्या उसे भी हदीस कहा जाएगा? देखिए, सहावी के कॉल को कहते हैं मौकूफ हदीस, जी ठीक है। और जी मतलब उसकी भी गिनती जो हदीसों अल्लाह में के होती नबी है। से जो मेरे भाई साबित होती है कि सहाबी मतलब बयान करता है कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया, वो होती मरफू हदीस। और सहाबी अगर अच्छा खुद कोई बात बता रहा है तो वो होती मौकूफ हदीस। अच्छा तो इन दोनों में मतलब अंतर क्या होता है, इससे फर्क? सहाबी का जो कॉल है, सहाबी की जो बात है, उसको बोलते हैं मौकूफ हदीस। अच्छा, तो सहाबी उस अगर कहता है काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हो जाती है मरफू हदीस, ठीक जी, है। तो जी तो और जी अब जो ये मौकूफ हदीस है, ये तभी ली जाएगी जब ये भाई मरफू हदीस के उलट ना हो, खिलाफ ना हो, ठीक है। यानी कि जी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अबू दाऊद की मेरे भाई हदीस है और हदीस का नंबर है 4031, ठीक है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा, काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बाहा बिकौमिन फहुवा मिन्हुम। यानी कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी दूसरे कौम की देखा देखी मुशाबियत इख्तियार की तो वो उनमें से हो गया। अब जी ये क्या जी कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर वो बयान कर रहे हैं अल्लाह के नबी ने क्या कहा, यानी कि ये जो हदीस हो गई मरफू हदीस हो गई, ठीक जी है। लेकिन मौकूफ हदीस क्या होगी कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अनु ये करते थे, यानी कि उसमें अल्लाह के नबी का कोई उसमें मतलब भाई वो मतलब वो नाम नहीं है, यानी कि अच्छा इसमें उनका अपना अमल बताया जा रहा है सहाबी का। तो अच्छा सहाबी का अपना अमल, अपना कौल, अपनी बात, उसको कहते हैं मौकूफ। और सहाबी जी अगर अल्लाह के नबी से बयान कर देता है तो उसको कहते हैं मरफू। जी यही समझना, यही समझना था। ठीक है, तो रखते हैं। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।